प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण और बेहद रोचक जानकारी लेकर के। एक छोटा सा सवाल होता है, मेरे बच्चे का विवाह किस दिशा में होगा, मेरी बच्ची का विवाह किस दिशा में होना है, आप बता दीजिए। आप ये बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं और सिर्फ एक उस उत्तर के लिए किसी भी तरह का कोई झंझट नहीं है। ये राशि और ये ग्रह क्रमशः हमारी मदद इस मामले में बहुत आसानी और सरलता से कर देते हैं। आपके पुत्र के लिए, आपकी पुत्री के लिए किस दिशा में जाना ज्यादा आपके लिए श्रेयस्कर होगा विवाह करने के लिए, ये इस पे मैंने एक अलग से कार्यक्रम बना रखा है। लेकिन आज ग्रह के आधार पर बताऊंगा कि जन्म कुंडली में किस ग्रह विशेष को देख करके किसी भी जातक या जातिका के विवाह की दिशा का निर्धारण किया जाता है और ये 100% अभी तक सही होता आया है, आगे भी होता रहेगा। क्योंकि अगर परमात्मा है तो उसके द्वारा बनाए गए नियम तो कभी झूठला नहीं सकते या ना ही वो व्यथा और व्यर्थ हो सकते हैं। सीधे मुद्दे पे आते हैं। मैंने यहां लिखा है विवाह की दिशा। ये दिशाएं और ये ग्रह, ये राशियां सब निर्धारित है, सब निर्धारित है और रिश्ते बन बना के रखे गए हैं, बस उनका मिलना हम पे छोड़ दिया है। और जब तक आप सही रिश्ते तक नहीं पहुंच जाते हैं तब तक भटकना जारी रहेगा, तब तक भटकाव जारी रहेगा। हालांकि इसमें एक बात बहुत गंभीरता से समझ लेनी चाहिए कि रिश्ते वहीं बनते हैं जहां परमात्मा तय करके रखता है, कभी भी आपके हिसाब से रिश्ते नहीं बनते हैं, चाहे वो प्रेम विवाह की बात हो चाहे वो मेल मिलाप की विवाह, बस वो एक माध्यम बन जाते हैं कि हमने प्रेम विवाह किया है, वस्तुतः होना वही था, बस आप माध्यम बन गए हैं, ना तो उसमें प्रेम था और ना ही वो कुछ और था, बस सिर्फ वो परमात्मा ने आपको एक माध्यम बना दिया है कि आपने प्रेम वशीभूत होकर के, प्रेम से वशीभूत होकर के आपने विवाह किया है। होना तो वही है क्योंकि नियति से अलग जाकर के तो हम कुछ करते नहीं ना। विवाह की दिशा, पहले के कार्यक्रम में मैंने आपको बताया था कि जन्म कुंडली के सप्तम स्थान में जो राशि बन रही हो, जन्म कुंडली के सप्तम स्थान में जो राशि बन रही हो उस राशि की दिशा में आप अपने विवाह के लिए जा सकते हैं। अगर मैं बात करूं तो एक नंबर अगर राशि बन रही हो, यानी कि मेष राशि और वृश्चिक राशि अगर बन रही हो, तो आपको निश्चित रूप से मंगल की दिशा में यानी कि दक्षिण दिशा की तरफ जाना चाहिए। मैं लिखता चलूं उससे ज्यादा बेहतर होगा, मैं यहां पर लिख दूं, अगर एक नंबर और आठ नंबर, अगर ये दो राशियां बन रही हो आपके जन्म कुंडली में सप्तम स्थान में, तो निश्चित रूप से आपको इसके जो अधिपति होते हैं मंगल, और मंगल की दिशा होती है दक्षिण दिशा, जन्म स्थान से जातक के दक्षिण दिशा की तरफ जाइए, आपको लाभ होगा, उस दिशा से संबंध बन जाएंगे। अगर यहां पे वही दो या सात लिखा हो, अगर यहां पे दो या सात लिखा हो, यानी कि ये राशि बनती है वृषभ और तुला, अगर ये राशियां जन्म कुंडली के सप्तम भाव में बन रही हैं, तो बिल्कुल सटीकता से समझ जाइए कि इन राशियों के अधिपति, इन दोनों राशियों के अधिपति होते हैं शुक्र, और शुक्र की जो दिशा होती है वो आग्नेय कोण होती है, यानी कि पूरब और दक्षिण का कोना, पूरब और दक्षिण के कोण पर आप अपने रिश्ते के लिए जा सकते हैं। उस दिशा से संबंधित आपको लाभ रिश्ते के मामले में खास करके बड़ी आसानी और बड़ी सरलता से मिल जाएगा। उसके बाद बात कर देते हैं प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के सप्तम भाव में अगर तीन नंबर या छह नंबर लिखा हो, जन्म कुंडली के सप्तम भाव में अगर मिथुन और कन्या राशि बन रही हो, तो इन दोनों राशियों के अधिपति होते हैं बुध, और इनकी जो दिशा होती है वो उत्तर दिशा होती है। आप उत्तर दिशा की तरफ अपने बेटी के विवाह के लिए निकलिए ना, लाभ होगा, उस तरफ से रिश्ते आपके पास बिल्कुल सटीकता से आ जाएंगे और नजदीक आकर के जुड़ जाएंगे, और ये रिश्ते फिर टूटने वाले नहीं होंगे। आगे बात करते हैं तीन के बाद चार, जो कि राशि होती है चंद्रमा की। चार नंबर, अगर आपके जन्म कुंडली के सप्तम भाव में चार नंबर लिखा है, यानी कि इसके अधिपति होते हैं चंद्रमा, चंद्रमा की जो दिशा होती है प्रिय दर्शकों वो वायव्य की दिशा होती है, वायव्य कोण, यानी कि आपकी जन्म कुंडली में वायव्य कोण कहा जाएगा, जन्म कुंडली या दिशाओं में पश्चिम दिशा और उत्तर का कोणा, पश्चिम और उत्तर के कोण पर अगर आप संबंध बनाने निकलते हैं तो 100% इसमें ज्योतिष आपकी सहायता करेगा और ये ग्रह नक्षत्र आपका स्वागत करेंगे। आगे
पांच नंबर पे आते हैं। जन्म कुंडली के सप्तम भाव में अगर पांच नंबर लिखा हो, यानी कि सिंह राशि बन रही हो और सिंह राशि का निर्माण हो रहा हो, तो इसका मतलब है कि सप्तम भाव के स्वामी होते हैं सूर्य। और ऐसी स्थिति में अगर आप जातक या जातिका के जन्म स्थान से पूरब से संबंध अगर कोई आ रहा है, कोई मिल रहा है, तो जरूर उसका स्वागत करिए और उसको ग्रैब करने का प्रयास करिए, पकड़ने का प्रयास करिए, उसको छोड़ने का प्रयास मत करिए। उसके बाद बात कर लेते हैं, मैंने छह नंबर की बात करी, जैसे तीन और छह, पांच के बाद छह बात करी, सात बात करी, आठ भी बात करी, मेष और वृश्चिक क्रमशः, नौ और बारह। अगर जन्म कुंडली के सप्तम स्थान में नौ नंबर और बारह नंबर लिखा हो, जन्म कुंडली के सप्तम भाव में अगर धनु राशि और मीन राशि बन रही हो, तो क्रमशः इनके अधिपति विवाह के कारक देवगुरु बृहस्पति होते हैं और इनके ही तो गोचर में विवाह होता है। इनके ही सप्तम भाव में गोचर से, लग्न में गोचर से, तृतीय में गोचर से, पंचम में, सप्तम में, नवम में, एकादश में गोचर से विवाह होता है। तो ये पूर्व दिशा की तरफ आपको बुलाते हैं, आप जाइए, जरूर लाभ होगा, 100% लाभ होता है। आगे उसके बाद बात कर लेते हैं 10 और 11 नंबर की राशि। 10 और 11 नंबर अगर आपके जन्म कुंडली के सप्तम भाव में बन रही हैं, अगर ये क्रमशः मकर और कुंभ राशियां, तो इनके अधिपत्य, जो इनके अधिपति होते हैं, वो शनि होते हैं। अगर शनि जन्म कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी बन रहे हैं और अगर सप्तमेश शनि बन रहे हैं, अगर मकर और कुंभ राशियां बन रही हैं, तो निश्चित रूप से आपको पश्चिम दिशा की तरफ, जातक या जातिका के पश्चिम दिशा की तरफ आप जाइए, आपको अवश्य लाभ होगा, इसमें परमात्मा आपकी अवश्य और 100% सफलता करेगा। तो ये मैंने जो बताया प्रिय दर्शकों, वो आपको मैंने जन्म कुंडली के सप्तम भाव में बन रही राशि की दिशा के आधार पर बताया है। इसके अलावे एक बात और देखनी होती है जो आप देख सकते हैं, जन्म कुंडली में शुक्र जहां बैठे हों, मैंने प्रायः शुक्र को वहीं बिठाया है जहां उनकी सातवीं दृष्टि पड़ जाती है। अब मैंने यहां बिठाया है, तो यहां अगर बिठाता तो मुझे यहां भी बिठाना पड़ता, तो अगर यहां बिठाते तो वो उनकी सप्तम दृष्टि यहां होती, अगर यहां बिठाया है तो उनकी सप्तम दृष्टि यहां होगी, और अगर यहां शुक्र बैठे होते तो उनकी सप्तम दृष्टि यहां होती। मैंने शुक्र को यहां बिठाया है जिनकी सप्तम दृष्टि पड़ेगी नवे भाव पे, और अगर शुक्र यहां बैठे होते तो उनकी दृष्टि यहां पड़ती, इसीलिए मैंने एक जगह खाली बिठाया है। उसके बाद बात कर लेते हैं कि अगर शुक्र मैंने यहां बिठाया है, तो इनका इसका मतलब है कि शुक्र यहां इनकी दृष्टि पड़ेगी, और अगर यहां बैठे होते तो उनकी दृष्टि यहां पड़ रही होती, इसीलिए मैंने सिर्फ एक जगह बिठाया है। अगर शुक्र को यहां बिठाया है तो उनकी सातवीं दृष्टि यहां पड़ेगी, और अगर यहां बैठ रहे होते तो उनकी दृष्टि यहां पड़ रही होती, इसीलिए मैंने एक जगह बिठाया है। अब बात करते हैं कि जन्म कुंडली में शुक्र आपके जहां बैठे हैं उसके ठीक सातवें भाव को देख लीजिए। अगर यहां बैठे हैं शुक्र, तो इसका सातवां भाव ये होता है। शुक्र जहां बैठे हैं उसके ठीक सातवें भाव में जो राशि बन रही हो, शुक्र जहां बैठे हैं वहां से ठीक सातवें घर में जो राशि बन रही हो, उस राशि की दिशा में आप जाइए, आपका विवाह 100% उधर ही होगा। और तब तक आप भटकते रहेंगे जब तक वो दिशा में आप चले ना जाए, उस दिशा में जाइए, उसी में होना है। अगर यहां बैठेंगे तो यहां देखेंगे, यानी कि जहां उनकी दृष्टि पड़ रही है सातवीं, वहां पे जो राशि बन रही है उस राशि की दिशा में जाइए। अगर यहां बैठेंगे तो उनकी दृष्टि नवम भाव पे पड़ेगी, तो यहां पे जो राशि बन रही है उस राशि की दिशा में चले जाइए। शुक्र अगर यहां बैठे हैं तो उनकी सातवीं दृष्टि यहां पड़ेगी, तो यहां पे जो राशि बन रही है उस राशि की दिशा में चले जाइए। शुक्र अगर यहां बैठे हैं तो उनकी दृष्टि पड़ेगी एकादशवें भाव पे, एकादशवें भाव में आपके जन्म कुंडली में जो अंक लिखा है उस अंक के अधिपति की दिशा में चले जाइए। अंक अगर यहां शुक्र बैठे हैं आपकी कुंडली में, तो उनकी सातवीं दृष्टि पड़ेगी बारहवें भाव पे, और बारहवें भाव में जो अंक लिखा है उस अंक के अधिपति की दिशा में चले जाइए, वही उस अंक के जो अधिपति हैं उनके दिशा में चले जाइए, या फिर उस अंक के जो वहां पे जो अंक बन रहा है उस अंक की दिशा में चले जाइए। ये दोनों बातें बराबर ही होती हैं। एक छोटे से कार्यक्रम में मैंने आपका बहुत बड़ा सवाल और उसका जवाब दे दिया है। आशा करते हैं आपको यह कार्यक्रम बेहद अच्छा और रुचिकर लगा होगा। इस प्रश्न का उत्तर आपको कहीं ढूंढने जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ सप्तमेश सप्तम भाव में कौन सी राशि बन रही है और आपकी जन्म कुंडली में शुक्र कहां बैठे हैं, उस राशि के अधिपति
के दिशा को पकड़ लीजिए, उसी पे चले जाइए। कुछ इसी तरह से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल किसी और अन्य विषय के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।